जलस्तर में वृद्धि होने से निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है और कई जगहों पर कटाव की स्थिति विकराल रूप ले चुकी है। गंगा किनारे बसे गांव और दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों में गंगा के रौद्र रूप से डर समाने लगा है। आपदा विभाग के अनुसार गंगा का जलस्तर 37.78 दर्ज किया गया, जो डेंजर लेवल 39.33 से महज 55 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। दियारा वासियों ने बताया है कि उनके गांव के चारों तरफ पानी आ गया है। गांव के तभी सर हाल ठीक है, मिला जुला के पानी बढ़ रहा है, चारों बगल घेर लिया, एक दो दिन में गांव डूब जाएगी। अगर वह पानी आ जाएगी तो नहीं, यहाँ नाव व्यवस्था है। कितना पानी है चारों तरफ? चारों तरफ पानी रखिए, जो खाली गाँव ही बचल हुआ है वो हम बांध तान घेर ले हैं। हाल क्या है कि पानी सगरो होल है, थोड़ा बहुत अभी घर बचल है, ना चौबगली पानी घेर ले। जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था किया, कुछ व्यवस्था अभी किया? कोई व्यवस्था नहीं जी। अब कैसे आते जाते हैं? कैसे आते जाते हैं कि ना हेल फेर के आते हैं, दस रुपया भाड़ा दे के आवे ले जाए, कितना पानी आपके अभी गांव में है? हल्का पानी भर डाण भर जाए कहल तो चारों पानी घेर लिया है, सीता में से घेर लिया पानी। गाँव तनी सुखल है, चारों बल मैंने पानी घेर लिया है, धिया पुता के साधन नहीं है। गंगा में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से जिला प्रशासन ने कोई व्यवस्था अभी कोई व्यवस्था नहीं करा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। आज वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया जा सकता है। एक तरफ एनडीए इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगा तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ये बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना और उसकी देखरेख करना है। तो ऐसे में आज इसको लेकर हंगामा हो सकता है और अब हम आपको बताते हैं, अब समझ लेते हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड जिस पर संशोधन की बात कही जा रही है। तो वक्फ बोर्ड देखिए संपत्तियों का प्रबंधन जो है वो कर सकता है। इसके साथ ही वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है और जितनी भी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास होती है उसका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाता है। यानी कि जो संपत्ति होती है वो मुस्लिम समुदाय के विकास के हित में उसे उपयोग करना होता है। संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के वक्फ प्रबंधन के पास उसका हिसाब होता है। 1994 में जवाहरलाल नेहरू ने ये इसको अधिनियम को दिया था और सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी और तब से सुचारू रूप से ये चल रहा था। 1995 में हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की जो है अनुमति मिली थी। बिहार में भी वक्फ बोर्ड जो है वो काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि जो उसमें संपत्तियों को अटैच किया गया है वो सभी संपत्तियों पर उसका हक है और उन संपत्तियों का से आने वाले जो रेवेन्यू है उसका इस्तेमाल जो है मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाना है। लेकिन अब केंद्र सरकार इसमें कुछ संशोधन करने की बात कह रही है। 40 ऐसे संशोधन है जिसकी बात कही जा रही है और आज इस बिल को लाया जा सकता है। तो इसमें अगर हम आपको बताएं कि ये बताया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि इस बिल को लाने का मकसद है कि वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करें और उसकी देखरेख करें। लेकिन विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा सकता है। कांग्रेस ने पहले इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की है। अब देखना होगा कि आज इस पूरे मामले पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए सरकार इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी तो वहीं विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर सकता है या फिर इसका विरोध किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए इस बिल को पेश किया जाना है जिसमें 40 ऐसे संशोधन केंद्र सरकार करना चाहती है जो उसमें लिखा हुआ है। अब इस बिल को आज पेश किया जाएगा। इस बिल में अब देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से इस बिल को लेकर क्या रुख होता है। हालांकि पहले विपक्ष ने, कांग्रेस ने खास तौर पर इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का की मांग जो है वो पहले से की है। तो आज वक्फ के अधिकारों पर कैची सरकार चलाएगी या इस पर विपक्ष की तरफ से हंगामा होगा या इसका विरोध होगा, ये सदन में देखने को मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।